फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्लास टेंथ CBSE ICSE और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये सब चल रहा है जिसको हम लाइट बोलते हैं। और ये जो हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं इसका नाम है टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू अ लेंस। और इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी लेंस हो तो उसके पास दो सरफेस होते हैं, लेंस के पास दो सरफेस होते हैं, या मैं ऐसे बता दूं आपको, अ लेंस हैज टू सरफेस, लेंस हैज टू सरफेस, लेंस के पास दो सरफेस होते हैं एंड ईच सरफेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। और हर एक जो सरफेस होता है लेंस का वो पार्ट ऑफ वो क्या होता है, स्फीयर होता है। और कभी कभी प्लेन भी मिलता है, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा स्फीयरिकल ही मिलेगा। तो ईच सरफेस ऑफ द लेंस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। अगर ये किसी स्फीयर का लेंस पार्ट होता है तो उसका एक सेंटर भी होगा, और उसका सेंटर होने के साथ साथ रेडियस भी होगा और कर्वनेस भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हुए लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे। तो अगर हम ये मानकर चलते हैं कि लेंस के हर एक जो स्फीयर सरफेस है वो सब एक स्फीयर का पार्ट है, तो आगे इसमें हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही डेफिनेशन है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है। ऑफ द सरफेस ऑफ लेंस भी कह सकते हैं, ऑफ दैट सरफेस ऑफ द लेंस आप ये बोल सकते हैं। तो मैंने ये आपको डेफिनेशन बताया, चलो देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सपोज कर लेते हैं मेरे पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर थोड़ा छोटा बना दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये एक स्फीयर है और मेरे पास एक स्फीयर और है, ये एक स्फीयर है। दोनों स्फीयर का मैंने क्या बना रखा है, एक मिनट रुको बेटा, ये ऐसे सपोज कर लो, यहाँ तक ऐसे है, ये डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बाहर ये स्फीयर ऐसे है, मतलब हमने कंप्लीट किया है ऐसे, ये कुछ इस तरीके से है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि ये वाला जो स्फीयर है, ये स्फीयर थोड़ा सा बिगर दैन दिस स्फीयर है, इस स्फीयर से थोड़ा सा बड़ा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है ये सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस फर्स्ट है, यानी कि ये फर्स्ट स्फीयर है, ये बड़ा वाला फर्स्ट स्फीयर है, और ये सरफेस सेकंड है, छोटा वाला, तो ये सेकंड सरफेस हो गया। मतलब मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये फर्स्ट स्फीयर है, जिससे कि ये फर्स्ट सरफेस हो गया, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया, ध्यान देना बेटा ये बात, ठीक है। और ये सेकंड स्फेयर है, ये क्या है, ये सेकंड स्फेयर है, ये जिससे कि ये क्या हो गया कि सेकंड स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये समझ पा रहे हो बात। अब आप अगर देख रहे हो तो हर एक सरफेस का कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा,
ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, क्या है ये, फर्स्ट स्फेयर है, ये क्या है, फर्स्ट स्फेयर है। अगर ये मेरा फर्स्ट स्फेयर है तो इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, इसके सेंटर को C1 बोलेंगे। ये मेरा सेकंड सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो इस वाले सरफेस के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेकंड सेंटर, सेंटर ऑफ द सेकंड सरफेस, सेंटर ऑफ द सेकंड सरफेस हो जाएगा। ये क्या है, सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फेयर, ये क्या है, सेंटर ऑफ सेकंड स्फेयर, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फेयर हो गया, ये सेंटर ऑफ सेकंड स्फेयर हो गया, समझ पा रहे हो बात। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ, कोई कलर चेंज करके देता हूँ, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ पी, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ पी, ऐसे ये पी हो गया। और ये मैंने तो आपको मतलब कॉन्वेक्स टाइप का बना रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रखा है। कॉनकेव के लिए भी ऐसे ही बनाते हैं हम, कॉनकेव के लिए चलो बनाते हैं कि एक मेरे पास हो गया ये सरफेस, ठीक, और एक मेरे पास हो गया थोड़ा सा बड़ा सरफेस, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सरफेस हो गया, और अब क्या हो गया, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ये हो गया, और इसको डॉट कर देता हूँ, ये डॉट हो गया, और इस सरफेस को भी मैं डॉट कर देता हूँ, ठीक है, इस सरफेस को भी मैं डॉट कर देता हूँ। अब ये मेरा किसके लिए हो गया, ये मेरा हो गया कॉनकेव के लिए हो गया, कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। अब अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये जो सरफेस है, ये मेरा सरफेस जो लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट है, ये सरफेस मेरा सेकंड है। और अगर फर्स्ट सरफेस के सेंटर की बात करूँ, फर्स्ट सरफेस के सेंटर की बात करूँ तो ये इसका सेंटर C1 है, और सेकंड सरफेस के सेंटर की बात करूँ तो ये सेंटर C2 है। आपने एक चीज़ देख लिया कि कॉनवैक्स लेंस में सरफेस ये फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड, ये भी सरफेस फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पर सरफेस सेकंड है, राइट हैंड साइड पर सरफेस सेकंड है, लेकिन फर्स्ट वाले मतलब कॉन्वेक्स में फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो राइट साइड में है, और सेकंड वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड के C2 में है। यहाँ पर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सरफेस फर्स्ट है उसका भी सेंटर लेफ्ट हैंड साइड में ही है, और इधर जो सरफेस है सरफेस 2 इसका भी सेंटर क्या है, वो राइट हैंड साइड में ही है, सेंटर इनमें कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में एक्सचेंज हो गए, ठीक है, आपको ये आई होप समझ में आ रहा होगा। तो C1 और C2 ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेयर हैं, यही हैं, क्या हैं, C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द लेंस, यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, ठीक है, यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर यहीं से हम चाहें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और बहुत सारी चीज़ों को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट लेक्चर में ही कर दें, एक छोटा छोटा लेक्चर रहेगा तो ठीक भी रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ और यहीं पर बता दूँ कि देखो अगर इन सेंटर को और इन सेंटर को, फिर मैं इस लेक्चर में इतना ही बताऊँगा, फिर आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे,
देखो इस लेक्चर इस सेंटर और इस सेंटर में को अगर आप जोड़ते हो, इस दोनों सेंटर को ऐसे आप जोड़ते हो और इन दोनों सेंटर को फिर ऐसे आप जोड़ते हो, तो यू विल गेट प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि एक अलग से हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहीं से वो अप्रोच भी आप ले सकते हो। तो इस लेक्चर में यहीं तक हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।